मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आपको ताज़ा तरीन और अहम तरीन अपडेट से आगाह करते चलें। रोहित कोहली और राहुल पांड्या भारत की T20 टीम के कप्तान मुकर्रर। जी हां दोस्तों, आपको अपडेट करते चलें। भारतीय मीडिया के मुताबिक 3 जनवरी से भारत में शुरू होने वाली T20 सीरीज़ के लिए भारतीय टीम में रोहित शर्मा, KL राहुल और विराट कोहली शामिल नहीं हैं और टीम का कप्तान हार्दिक पांड्या को मुकर्रर कर दिया गया है और सूर्य कुमार यादव के कप्तान नायब होंगे। जी हां दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रोहित शर्मा श्रीलंका के खिलाफ 10 जनवरी से होने वाले एक रोज़ा मैचों की सीरीज़ के लिए भारतीय टीम की क़यादत करेंगे और हार्दिक पांड्या वनडे सीरीज़ के लिए टीम के नायब कप्तान होंगे। जी हां दोस्तों, आपको अपडेट करते चलें। BCCI की जानिब से ये वजह नहीं की गई है कि पांड्या को इंजरी का शिकार हुआ की जगह आर्जी तौर पर टीम का हिस्सा बनाया गया है या फिर वो T20 टीम के मुस्तकिल कप्तान होंगे। भारतीय मीडिया के मुताबिक विकेट कीपर ऋषभ पंत T20 और एक रोज़ा मैचों की सीरीज़ के लिए टीम में जगह बनाने में नाकाम रहे हैं, जबकि ईशान किशन को दोनों टीमों में शामिल किया गया है। ये थी दोस्तों आपके लिए ताज़ा तरीन अपडेट।